आज मैं बनाऊंगी ओट्स का चीला। ओट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्दी है। इसमें बहुत ही फाइबर होता है जो कि पेट को साफ रखता है। इसको बनाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल प्रेस करना मत भूलना, जिससे कि आपको हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। चलिए बनाते हैं ओट्स का चीला। ओट्स चीला बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कटोरी ओट्स, 1 बारीक कटा हुआ प्याज, हरी धनिया जिसको बारीक काट लिया है, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, आप अगर नहीं चाहें तो ना डालें, 1 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच हींग, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, नमक और तेल, 2 चम्मच बेसन। चीला बनाने के लिए ओट्स को हम एक जार में लेकर इसको बारीक पीस लेंगे। ये देखिए मैंने इसको बारीक पीस लिया है, ये अच्छे से पाउडर बन गया है। तो अब इसको मैं एक बाउल में लूंगी, ये सारा पलट लूंगी, इसी में डालूंगी बेसन, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची, जीरा, हींग, हरी मिर्च, हरी धनिया, प्याज और नमक आप टेस्ट के अनुसार डालिए। कम चीला में वैसे भी नमक कम ही पड़ता है, ये डाल दिया मैंने। अब इसको पानी डालकर गाढ़ा घोल बनाएंगे। आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको अच्छी तरह मिलाइए, इसमें गांठ नहीं पड़नी चाहिए। इसको इतना पतला करना है कि तवा पे आसानी से फैल सके। ये देखिए अच्छी तरह मिला रही हूँ, ये मिल गया। ओट्स है, ओट्स बहुत जल्दी मिलता है, इसमें गांठें भी नहीं पड़ती जल्दी। अब इसको मैं क्या करूंगी, इसको 5 मिनट के लिए ढक दूंगी जिससे ओट्स फूल जाएगा। ये देखिए 5 मिनट हो गए, हम इसको खोल कर देखते हैं। ये देखिए अच्छा गाढ़ा हो गया है, ऐसा तो हम नहीं बना पाएंगे तो इसलिए इसमें थोड़ा पानी डालेंगे जिससे पतला हो जाए। थोड़ा ही डालना, घोल के देख ले, इसको भी फैलाना भी है, बहुत पतला नहीं चाहिए ना बहुत गाढ़ा चाहिए, थोड़ा सा और पड़ जाएगा। अब ये अच्छा हो गया है चीला की तरह, अब इसके हम चीला बनाएंगे। मैंने गैस पे तवा गरम होने रख दिया है, ये नॉनस्टिक तवा है तो इस पे ज्यादा तेल नहीं लगेगा, सिर्फ 1 बूंद तेल डाल के मैं इसको चिकना करूंगी केवल। इस तरह से चिकना करना है सिर्फ, नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। अब इस पर 2 चम्मच बेटर डाल के इसको अच्छी तरह फैलाएंगे, पतला पतला इस तरह से फैलाना है। ये देखिए इसको ना मीडियम आंच पर इसको सेकेंगे, अभी ये सिक रहा है। इसके बाद इस पर इसी तरह से थोड़ा सा तेल दूसरी तरफ लगा के इसको लाल लाल सेकना है, इस तरह से, ज्यादा तेल नहीं यूज करना है। ये जब एक तरफ थोड़ा लाल हो जाएगा तब हम इसको पलट कर दूसरी तरफ भी सेक लेंगे। अब इसको पलट कर दूसरी तरफ सेक लेंगे, ये देखिए सब लाल हो गया है। ये देखिए बन गया है, सिक गया। मैंने इसको दूसरी तरफ भी सेक के पलट लिया है, ये देखिए दोनों तरफ से सिक गया। अब इसको मैं प्लेट पर निकाल लूंगी,
इसके ऊपर अब दूसरा डाल देती हूँ। इस तरह से हमें सारे बना लेने हैं। हमारा बन गया है चीला और बहुत ही हेल्दी भी है, बच्चों को भी खिला सकते, सबको खिला सकते हैं। ये देखिए चीला बनकर तैयार है, अच्छा करारा है और बहुत ही टेस्टी है। इसको आप बनाकर सर्व कीजिए। आपको अच्छा लगा हो तो इसको काफी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।